अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे लेफ्ट साइड पे आपको एक मेरे मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बाइनेंस का जो एप्लीकेशन है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके 2 दिन हो गए कि मैंने अपलोड किए, वहाँ पर भी आप आसानी के साथ देख सकते हैं। सही है। क्योंकि आपने पढ़ी थी, जो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो थी स्पॉट ट्रेडिंग, और दूसरा मैंने आपको डेथ क्रॉस के बारे में बताया था कि असल में होता क्या है और किन सिचुएशन में ये हो जाता है। या हमारे प्रीवियस अगर डेटा को हम देखें, एनालाइज करें, तो हमें कब पता चलेगा कि इधर जो प्रोबेबिलिटी है या जो डेथ क्रॉस की जो चांसेस हैं यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो वो चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया था कि डेथ क्रॉस कब होता है, स्पॉट ट्रेडिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, किन किन सिचुएशन को आपने देख के ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, एक और चीज़, चूंकि मुझे आज ये जो वीडियो थी, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, बनाई है चूंकि अपलोड नहीं की, उसकी असल वजह ये है। चूंकि मार्जिन ट्रेडिंग को समझने से पहले आपको ये जो चीज़ें मैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर तरीके से, देन आपको फिर मार्जिन ट्रेडिंग की देन आपको मार्जिन ट्रेडिंग की समझ आ जाएगी कि मार्जिन ट्रेडिंग होता क्या है और किस तरह हम मार्जिन ट्रेडिंग को करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मोबाइल की तरफ ले जाता हूँ और आपको थोड़ा वो मैं बता देता हूँ कि अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ चीजें हैं। क्योंकि बाइनेंस आपको जो बाइनेंस का इंटरफेस है ना, उसको भी समझने के लिए आपको एक वीडियो चाहिए। उसका जो इंटरफेस है वो भी आपके साथ देखिए, हर एक चीज जो कि आपको नजर बाइनेंस पे आ रही है। एक मिनट, मैं जरा इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोल दूं। तो वो असल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा वजाहत दे दूं कि जो भी चीज आपको बाइनेंस पे नजर आएगी, तो हर एक चीज के पीछे एक बैकग्राउंड में एक हिस्ट्री है। एक वो आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो कि आपको उसको समझना चाहिए कि असल में ये मुझे क्या बता रहा है। हर एक चीज जो आपको बाइनेंस के इंटरफेस पे नजर आती है, तो आपने उसको थोड़ा समझना होगा कि ये मुझे बता क्या रहा है, इसका जो यहाँ पे होने का जो मकसद है वो क्या है। तो इस चीज को आपने जरा एहतियात के साथ देखना होगा। अच्छा, मैं अभी आपको, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा आपको भी, चूंकि फैन लगाने से फिर यहाँ पे थोड़ा माइक में मसला हो जाता है, तो प्रॉपर मैं आपके साथ वो इंटरेक्शन नहीं बना सकता। लेकिन है, बाइनेंस पे मैं चला गया, यहाँ पे मैं अपना, मेरे पास एक दूसरा अकाउंट है, वो मैं आप यहाँ पे लॉग इन कर दूंगा। तो मैं आपको देखिए, सबसे पहले आपने चले, मैं ट्रेड की तरफ चला जाता हूँ, ट्रेड में जाता हूँ, स्पॉट ट्रेड में। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि मैंने सबसे पहले आपको, अगर मेरे लेफ्ट साइड पे आपको अगर आ रही है इस नजर, तो ये मैंने देखिए बाय और सेल के नीचे एक लिमिट का ऑप्शन है, मैंने सबसे पहले उस पर क्लिक कर दिया। अब लिमिट का मकसद क्या है, लिमिट चूंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी प्रॉपर तरीके से आपको बताया था कि आप स्पॉट ट्रेडिंग में लिमिट किस तरह लगाएंगे और किन सिचुएशन में आपको लिमिट लगानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक करेंसी ले ली 10K की, आपने इथेरियम ले ली, जो कि इथेरियम के रेट, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 10K इथेरियम, आपने एक इथेरियम ले लिया, उसकी जो प्राइस है वो 10K है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं, अगर मेरे पास नेट हो, अभी है नेट, या कल नेट हो या ना हो, तो मैं इस पे ऐसा लिमिट लगा दूं कि अगर 10K से ये 12K पे चली जाए तो मैं डायरेक्टली इसको सेल आउट कर दूं। तो लिमिट का जो जो कंसेप्ट था वो यही था कि मैं लिमिट लगा रहा हूं कि अगर बाय पे या सेल पे, यहाँ पे जो कि बाय पे है, मैं सेल उसको सेल पे कर दिया। लिमिट लगा रहा हूँ कि अगर मेरी जो जो करेंसी है, जो मैंने खरीदी है, जो मेरे पास है, उसकी प्राइस 12K पे चली गई तो मैं इसको सेल आउट कर दूं। तो ये जो लिमिट है, सबसे पहले आपने ये उसका तरीका है कि आप लिमिट किन सिचुएशन को देख के आप लगाएंगे। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो आपको ये मार्केट मार्केट का जो जो ऑप्शन है वो आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने इसको भी थोड़ा बहुत समझना होगा, अगर आप अर्जेंट में बाय या सेल करना चाहते हैं किसी भी करेंसी को, तो आप मार्केट के रेट को मद्देनजर रखते, आपने कहा कि चलो मुझे चाहिए अभी, मार्केट की रेट चाहे जो भी हो मुझे अभी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये यहाँ पे गई या यहाँ पे आई तो मैं बाय या सेल करूंगा, नहीं,
मार्केट की अब जो करंट वैल्यू है मैं उसी टाइम बाय करना चाहता हूँ, तो ये आप बाय या सेल। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी आपके पास जो एसडीटी है, अब फॉर एग्जाम्पल एडीए की या बिटकॉइन की जो करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल वो आ गई एडीए आ गई 0.5 पे। अब आप सोच रहे हो कि इससे नीचे ये नहीं आएगी, मैं चाहता हूं कि मैं अभी ले लूं, मैं कोई लिमिट नहीं लगा रहा हूं कि अगर 0.3 पे आ गई तो मैं बाय करूंगा, नहीं, मैं चाहता हूं कि अब जो 0.5 पे है मैं इसी टाइम अभी मैं इसको खरीद लूं। तो आपने फिर मार्केट की जो 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 ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। आपने ये बता दिया कि जो मार्केट की करंट वैल्यू अभी जो जा रही है मैं इसी टाइम पे इसको खरीदना चाहता हूँ, तो इस पर आप क्लिक करके जैसे ही आप सेल या बाय को पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वही करेंसी आप बाय करेंगे, मार्केट का जो उसी टाइम पे जो रेट जाएगा उसी पे आपको वो मिलेगा। इस पे आप ये नहीं कह सकते कि अगर मार्केट की वैल्यू यहाँ तक पहुंच गई या यहाँ तक पहुंच गई तो मैं बाय या सेल करूंगा, नहीं, बल्कि करंट वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए आप बाय सेलिंग कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आ जाती है स्टॉप लिमिट। अच्छा, स्टॉप लिमिट में आपने अगर बाइनेंस का अकाउंट कभी खोला हो तो यहाँ पे आ जाती है एक रेजिस्टेंस लाइन होती है और एक सपोर्ट लाइन होती है, दो लाइंस होती है, इनकी दरमियानी ग्राफ ऊपर नीचे होता है। अगर आपने बाइनेंस का कभी अकाउंट खोला है और आपने देखा होगा तो प्रॉपर, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान दो लाइन होती है। अब आपने आप सपोज कर दे, स्टॉप लिमिट का मकसद क्या है कि अगर आप अगर 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 आपका ये जो है ये इसको असल में कहते हैं सपोर्ट और ये जो है इसको असल में रेजिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि आप अब यहाँ पे आप देख लें कि मैं कहना चाहता मैं चाहता हूँ कि मैं बाय करना चाहता हूँ, लेकिन लिमिट जो किस किस लिमिट में मैं बाय करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर प्लानिंग करेंसी की वैल्यू यहाँ पे पहुंच गई तो स्टॉप स्टॉप यही टाइम है मेरे लिए, इतनी बीटीसी कितनी अकाउंट आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं कि इतनी पे मुझे बाय। देखिए सबसे पहले आपने इसको थोड़ा ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। आपने कहा कि ये करेंसी अगर इस पे आ गई तो स्टॉप कर दे, और नीचे अगर आप लिमिट बता रहे हो कि इतनी लिमिट पे मुझे खरीदे, फॉर एग्जाम्पल 10K पे आ गई, लेकिन आपने नीचे दिया कि अगर ये 9K को टच करे तो मैं बाय करना चाहता हूँ, तो स्टॉप कहाँ पे होगा? 10K पे स्टॉप होगा, स्टॉप। अगर आप बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन जो 9K पे आएगा तो वहां पे आपका जो 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 आपने जो ऑर्डर लगाया है वो एग्जीक्यूट होगा, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। अगर बाय का है तो बाय हो जाएगा, अगर सेल का है तो सेल कर सकते हैं। इसको जरा आपने थोड़ा समझना होगा। अच्छा, फिर उसके नीचे अगर मैं एक और ऑप्शन है OCO, OCO का मकसद जो है आप मैं इसका आपको ये बता दूंगा कि वन कैंसिल अदर ऑर्डर OCO। अच्छा, OCO का मतलब एक लिमिट आपने लगा दी कि अगर प्राइस आपने कहा कि एक लिमिट आपने बाय की लगा दी, एक की सेल की लगा दी, आपने लिमिट दोनों दे दी। अब सिचुएशन आपको आपको अगर सिचुएशन ये जा रही है कि आप फायदे में हैं तो जो जो दूसरा वाला ऑर्डर है जो सेल का ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली बाय पे आ जाएंगे। अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि आप सेल पे जा खराब जा रही है, मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है, तो आप वहां पे आपका जो बाय का है वो खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो सेल पे आ जाएगा। फिर उसकी उसकी एक और चीज में, क्योंकि मोबाइल की रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो गई, खैर मैं अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसकी जरूरत भी है नहीं है। एक और चीज आपको जरूरी है कि ट्रेडिंग स्टॉप ऑर्डर, इसमें एक ऑप्शन है ट्रेडिंग स्टॉप ऑर्डर, उसका मतलब क्या है? देखिए इस चीज को आपने थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि ट्रेडिंग स्टॉप ऑर्डर, देखिए आपने अगर ग्राफ के बारे आपने अगर किसी भी करेंसी के बारे में आप लिमिट सेट की कि मैंने 10K का ADA लिया है, 10K का ADA लिया है, लेकिन अगर ADA 10% बात को समझने के, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल 30K का बिटकॉइन लिया है, एक बिटकॉइन मैंने लिए है 30K का, समझ रहे हो? अब मैंने यहाँ पे लगा लिया कि अगर 10% मार्केट नीचे आ जाती है तो उस सिचुएशन में मैं इसको सेल आउट कर दूं, कहाँ गया मैं, थोड़ा फोकस ही काउंसलर है, चलिए ठीक हो गया। उस सिचुएशन में मैं इसको सेल आउट करूँ, देखिए मार्केट 30K का आपने बिटकॉइन लिया है, क्योंकि 10% आपने कहा लिमिट लगा दी,
कि अगर 10% जी करेंसी गिर गई तो मैं इसको सेल आउट कर दूं, मुझे नहीं चाहिए। लॉस तो होगा, 10K से अगर नीचे आएगी 10% तो लॉस तो होगा लेकिन कम होगा। अब बात को समझने की जरूरत है आपको इस चीज पे, अगर मार्केट आपके खिलाफ गई, आप सेल कर पे लग गए लेकिन मार्केट ऊपर जानी, फॉर एग्जाम्पल 10 से ऊपर गई 11K पे गई, तो ये जो नीचे 10% आपने जो 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 लिमिट बताया था कि इस पे मेरे सेल कर दो, वो भी ऊपर आएगा, मतलब करेंसी जितनी ऊपर जाएगी उतना ही आपका जो 10% लिमिट है वो भी ऊपर जाएगा। समझ रहे हो, इस चीज को जरा फोकस कर दे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे खरीद ली, अब 10% यहाँ पे है और आपका जो करेंसी है वो यहाँ पे, अब इस पे टच हो गया तो आपका सेल हो गया। लेकिन अगर आपका करेंसी यहाँ पे है और 10% यहाँ पे है, तो जैसे आप 10% फॉर एग्जाम्पल करेंसी में इंक्रीमेंट आ गया यहाँ पे गया, तो ये जो परसेंट है वो भी ऊपर जाएगा। मतलब ये आपका जो अगर अगर ऊपर जाएगा तो 10% जो जो प्रॉफिट है, लॉस का जो रेशियो है वो भी ऊपर साथ में ही जाएगा। तो ये जो बेसिक चीजें थी जो कि आपको बताने बहुत ज्यादा जरूरी थी, इस पे आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि इसका इंटरफेस खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को भी डिलीवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको समझ आया होगा तो थम्स अप, एंड अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो मैं ये अपनी वो समझूंगा कि मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। सो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो मार्जिन और उस पर आएगी, मार्जिन ट्रेडिंग पे आएगी, तो उससे पहले ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।